नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो के माध्यम से पिछले 8 महीनों में हमारे देश या विदेश में जितनी भी इम्पोर्टेंट किताबें लिखी गई हैं और आने वाले हर एग्ज़ामिनेशन में इनके आने के चांसेस हैं, तो बिना समय व्यर्थ किए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं उन इम्पोर्टेंट किताब और उनके ऑथर के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं। ऑथर्स पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। सबसे पहली किताब आती हुई बेबाक बात। इसको लिखा है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, विजय गोयल जी ने। इस किताब का विमोचन हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया था। उसके बाद अगली किताब है लुटायंस मेवरिक, ग्राउंड रियलिटीज़, हार्ड चॉइसेस एंड टुमोरोज इंडिया। इसको लिखने का श्रेय जाता है बैजयंत जय पांडा को, लुटायंस मेवरिक। देन अगली जो किताब है उसका नाम है अ क्रसेड अगेंस्ट करप्शन ऑन द न्यूट्रल पाथ। इसको लिखा है मनोहर मनोज ने, अ क्रसेड अगेंस्ट करप्शन ऑन द न्यूट्रल पाथ। देन ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है नो स्पिन। और ठीक उसी तरह हमारे देश के एक महान बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है 281 एंड बियॉन्ड आर कौशिक के साथ मिलकर, 281 एंड बियॉन्ड। और एक किताब और है जिसको कि बहुत ही वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिली है, उसका नाम है सी प्रेयर, जिसको लिखा है खालिद हुसैन ने। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, खालिद हुसैन ने लिखी है सी प्रेयर, द काइट रनर। नेक्स्ट अगली किताब है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है क्योंकि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाली मलाला यूसुफजई ने ये किताब लिखा है, वी आर डिस्प्लेस्ड। इससे पहले भी मलाला यूसुफजई ये किताब लिख चुकी हैं, आई एम मलाला। मैंने मलाला यूसुफजई की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में छोड़ दूँगा। उस वीडियो को ज़रूर देखें और जानें मलाला यूसुफजई की जीवनी के बारे में। नेक्स्ट एक किताब लिखी है सरोज बाला ने, इसका नाम है रामायण रिटोल्ड विथ साइंटिफिक एविडेंस। इसको लिखने का श्रेय जाता है सरोज बाला को, रामायण रिटोल्ड विथ साइंटिफिक एविडेंस। नेक्स्ट हमारे पूर्व जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पी चिदंबरम, उन्होंने एक किताब लिखी है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया को लिखने का श्रेय जाता है पी चिदंबरम को, जो कि यूपीए की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट एक किताब है जिसको लिखा है नयनतारा सहगल ने और इस किताब का नाम है द फेट ऑफ बटरफ्लाइज। इसको लिखा है नयनतारा सहगल ने। नेक्स्ट वाईवी रेड्डी और जीआर रेड्डी ने मिलकर एक किताब लिखी है इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है, इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। इसको लिखा है वाईवी रेड्डी एंड जीआर रेड्डी ने। नेक्स्ट बालकृष्ण कामत ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द वेलवेट ग्लव्स। बाल कृष्ण कामत ने द वेलवेट ग्लव्स को लिखा है। अगली किताब है दोस्तों चेतन भगत द्वारा लिखी गई इंडिया पॉजिटिव, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुई है। इंडिया पॉजिटिव नाम की एक नई किताब लिखी है चेतन भगत ने। अगला विनीत वाजपेयी ने एक किताब लिखी है काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेंपल। विनीत वाजपेयी काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल नाम की उन्होंने किताब लिखी है। अगली जो किताब है उसका नाम है कंस्टिट्यूशनलाइजिंग इंडिया और इसको लिखा है आपका विद्युत चक्रवर्ती ने।
नेक्स्ट, उसके बाद दोस्तों एक किताब है कामा द रिडल ऑफ डिज़ायर, जिसको लिखने का श्रेय जाता है गुरचरण दास को, कामा द रिडल ऑफ डिज़ायर। नेक्स्ट, शशि थरूर जो कि कांग्रेस के एमपी हैं केरला से, उन्होंने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, और इसी किताब में उन्होंने 29 लेटर्स का एक वर्ड इजाद किया है, क्योंकि माना जाता है कि शशि थरूर की वोकैबुलरी बहुत औसम है, और इसी किताब में उन्होंने 29 लेटर का एक पूरा का पूरा वर्ड इजाद किया है जिसको कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है। तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, शशि थरूर, और ये जो किताब आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही है एना बर्न्स द्वारा लिखी गई मिल्कमैन, इसको 2018 का बुकर प्राइज़ दिया गया है। मिल्कमैन, एना बर्न्स, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि 2018 का बुकर प्राइज़ मिल्कमैन को दिया गया है एना बर्न्स के लिए। मिल्कमैन किताब को मिला है और इसको लिखा किसने है, एना बर्न्स ने। नेक्स्ट, बूम बूम अफरीदी, जी हाँ दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने अभी कुछ दिनों पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ की है वजाहत एस खान के साथ, और इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है गेम चेंजर। ये शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट, द ट्वाइस बॉर्न लाइफ एंड डेथ ऑन द गैंगेज, मतलब बनारस के ऊपर ये किताब लिखी गई है द ट्वाइस बॉर्न लाइफ एंड डेथ ऑन द गैंगेज, और इसको लिखने का श्रेय जाता है आतिश तसीर को। नेक्स्ट, यूपीए गवर्नमेंट के नेता कपिल सिब्बल ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है शेड्स ऑफ ट्रुथ। तो आप देख सकते हैं चिदंबरम, कपिल सिब्बल, फिर आपका मतलब कि शशि थरूर, कांग्रेस के सारे नेता मतलब एक से बढ़कर एक किताबें लिखते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका लीडर कह सकते हैं कि थोड़ा अजीब सा है। तो शेड्स ऑफ ट्रुथ को लिखा है कपिल सिब्बल ने। अगली किताब है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ये रिपीट हो गई है, अ क्रसेड अगेंस्ट करप्शन ऑन द न्यूट्रल पाथ, मनोहर मनोज द्वारा। नेक्स्ट, एक किताब है जिसको लिखा है रीमा हुजा ने, ये द ग्रेट वॉरियर, द ग्रेट इनविंसिबल वॉरियर महाराणा प्रताप के ऊपर लिखा गया है, और इस किताब का नाम है महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर, और इसको लिखा है रीमा हुजा ने। और आखिरी जो इस वीडियो की किताब है उसका नाम है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, और इसको लिखने का श्रेय जाता है रामचंद्र गुहा को। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये जो मैंने पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को किताबें और ऑथर्स के बारे में बताया है, ये आप लोगों के दिमाग में पूरी तरह बैठ गया होगा। अब आने वाले एग्जामिनेशन में टेंशन फ्री रहिए, कोई भी ऑथर की किताब आए या ऑथर किताब की ऑथर के बारे में पूछा जाए, सिंपल इमेजेस को याद कीजिए और टिक मारिए। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। शबा खैर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।